नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीखेंगे। इंटरव्यू में टेक्नीशियन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब कैसे देना है, उसके बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, प्रोसेस में कौन से पैरामीटर्स वेरिएबल होते हैं। तो प्रोसेस में वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं प्रेशर, फ्लो, टेम्परेचर, क्वालिटी, लेवल, पीएच, ये सभी प्रोसेस में वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं। दूसरा सवाल है, फ्लो मेजरमेंट के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल होता है। तो फ्लो मेजरमेंट करने के लिए वेंचुरी ट्यूब, ऑर्फिस प्लेट, पिटॉट ट्यूब, अनुबार, फ्लो नोजल, ये सभी इस्तेमाल होते हैं। ओरिफिस प्लेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ओरिफिस प्लेट के मुख्य चार प्रकार होते हैं, सेगमेंटल, कॉन्सेंट्रिक, क्वाड्रेंट एज और एंसेंट्रिक। पाइपलाइन में ओरिफिस प्लेट लगा होता है, यह कैसे पता लगेगा कि पाइपलाइन में ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ओरिफिस प्लेट पर एक टैब होता है जो ओरिफिस प्लेट में वेल्ड होता है और जो पाइप के बाहर होता है, बाहर से ही दिख जाता है विजुअली, जब देखेंगे तो बाहर से दिखेगा, क्योंकि ओरिफिस प्लेट तो पाइप के अंदर होता है, फ्लेंज के बीच में होता है, और टैब होता है वो बाहर तक निकला हुआ होता है। इसे पता लग जाता है, इसे इंडिकेशन मिलता है कि पाइपलाइन में ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है। ओरिफिस टैब क्यों लगाया जाता है। तो ओरिफिस टैब लगाने के कुछ कारण हैं, जैसे लाइन में ओरिफिस टैब लगा होता है, इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि इस लाइन में ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है। अगर टैब नहीं रहेगा तो वो पता नहीं लग सकता है कि इस लाइन में ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। दूसरा, इसके ऊपर डायमीटर का मार्किंग होता है कि जो कितना डायमीटर का है। दूसरा, ये भी पता लगता है। तीसरा में कि ओरिफिस में उसका मटेरियल भी लिखा हुआ होता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके ऊपर ओरिफिस का टैग नंबर भी लिखा हुआ होता है, उसमें ओरिफिस का इनलेट मार्किंग होता है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम या इनलेट या आउटलेट, इनलेट भी लिखा होता है या अपस्ट्रीम लिखा हुआ होता है। ओरिफिस में एचपी साइड कैसे पता चलता है, एचपी साइड को इनलेट भी बोला जाता है। तो ओरिफिस में एचपी साइड की मार्किंग होती है, उस पर लिखा होता है अपस्ट्रीम या उस पर लिखा हुआ होता है इनलेट, उससे मालूम हो जाता है कि ओरिफिस में एचपी प्लेट, ओरिफिस में एचपी ये साइड है, मतलब अपस्ट्रीम होगा वो इनलेट साइड होगा। डीपी ट्रांसमीटर को कैसे कैलिब्रेट करते हैं। तो डीपी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेशन करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले ट्रांसमीटर का जीरो एडजस्ट करेंगे, दूसरा स्टैटिक प्रेशर टेस्ट करेंगे, उसके लिए जिसमें ट्रांसमीटर को दोनों साइड से समान प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के बाद हम डीपी पे जीरो मिलना चाहिए, ट्रांसमीटर में जीरो मिलना चाहिए, अगर दोनों साइड से प्रेशर दे रहे हैं तो जीरो मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, वैक्यूम टेस्ट करेंगे, दोनों तरफ से एक समान वैक्यूम देंगे, उस वक्त डीपी में जीरो मिलना चाहिए। उसके बाद हाई साइड पे प्रेशर देंगे और इसका स्पैम एडजस्ट कर देंगे, फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर से जीरो एडजस्ट कर सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करके डीपी ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करते हैं। ट्रांसमीटर में फ्लो जा रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करेंगे। तो ट्रांसमीटर को फ्लश करेंगे, इसमें एचपी या एलपी इम्पल्स लाइन को फ्लश करेंगे, दोनों लाइन को, एचपी लाइन को और एलपी लाइन को, इक्वलाइजेशन वाल्व को खोलकर जीरो कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। एलपी साइड की लाइन को चेक करेंगे कि चॉक हुआ तो नहीं है, उसे फ्लश करेंगे, क्लीन करेंगे, उसमें लीकेज चेक करेंगे और कैलिब्रेशन करेंगे। डीपी ट्रांसमीटर पे जीरो कैसे चेक करेंगे। तो ट्रांसमीटर में जीरो चेक करने के लिए एचपी और एलपी दोनों में से कोई एक वाल्व को, जो आइसोलेशन वाल्व होता है, उसको बंद कर देंगे और इक्वलाइजेशन वाल्व को ओपन कर देंगे, जिससे दोनों तरफ का जो समान जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाएगा और ट्रांसमीटर पे जीरो दिखाने लगेगा।
इस तरह डीपी ट्रांसमीटर पे जीरो चेक कर लेंगे। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A। यूनिट के रूप में किसी सरफेस एरिया पे प्रेशर देना, मतलब कि P इज इक्वल टू F बाई A, इसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर के प्रकार बतलाइए, टाइप ऑफ प्रेशर कौन कौन से होते हैं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से प्रेशर के टाइप होते हैं। प्रेशर के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।